नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो मैं रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ वो बंगालियों के बहुत फेमस रेसिपी है, जिसका नाम है आलू भिंडी पोस्तो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आलू भिंडी पोस्तो में किस तरीके से बनाती हूँ। पोस्तो मतलब खसखस, जिसे इंग्लिश में पॉपी सीड कहा जाता है, उससे मैं आज एक रेसिपी बनाऊंगी। पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर आप रिफाइंड ऑयल में करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका स्वाद जो है वो ज़्यादा आएगा। मस्टर्ड ऑयल में मैंने करीबन 1 टीस्पून कलौंजी ऐड किए हैं। कलौंजी मीन्स बंगाली में उसको कहा जाता है कालो जीरे, मैंने वो ऐड किए हैं। करके मैंने यहाँ पर आलू को आप देख सकते हो पतले पतले स्लाइसेस किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा मोटा मैंने स्लाइसेस नहीं किया है आलू का, ना ही बहुत मोटा ना ही बहुत पतला। यहाँ पर मैंने उस तरीके के आलू को स्लाइसेस कर लिए है। करके इस रेसिपी को बनाते समय एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फ्लेम को हाई रखना होगा, जिससे कि ये जो आलू है वो बिल्कुल गल ना जाए, ये कड़कपन एक आलू में रहे। तो इसको हम आलू को 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भिंडी को अच्छे तरीके से धो के फिर कट करके फिर मैंने इसमें ऐड किया है। इस भिंडी को थोड़ा सा जस्ट हम थोड़ा सा चलाएंगे। चलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए हम ढक के मीडियम फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप नॉनस्टिक पैन में बना रहे हो तो आप हाई फ्लेम में रखिएगा, और अगर आप नॉनस्टिक पैन में नहीं बना रहे हो, किसी और कढ़ाई में आप बनाते हो, तो आपको फ्लेम को थोड़ा मीडियम या फिर लो में रखना होगा, नहीं तो ये जो नीचे से जल जाएगा। नॉनस्टिक पैन में ये जलता नहीं है, इसलिए इसे हम हाई फ्लेम में बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 मिनट के लिए भिंडी को ढक के रखा था। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं दूंगी, सिर्फ 1 चम्मच में यहाँ पर हल्दी पाउडर दूंगी और स्वाद अनुसार नमक। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। नमक स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। करके अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करूँगी, करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मुझे इस मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करने होंगे मीडियम फ्लेम में। यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रही हूँ, जो मैंने खसखस लाल सूखी मिर्च के साथ ये मैंने पेस्ट बना लिया है। सिलवट्टे में मैंने इसको पीसा है, मिक्सी में ये बहुत अच्छा फाइन पेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने सिलवट्टे में इसको पीस लिया है। पीस के आप अगर सूखी लाल मिर्च पसंद नहीं करते हो तो आप इसमें हरी मिर्च का भी ऐड कर सकते हो। हरी मिर्च आप ऐड कीजिएगा, और 2-3 लहसुन की कलियां अगर आप इसमें ऐड करते हो तो भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियां ऐड नहीं किए हैं। इसलिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, चलाऊँगी करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फ्राई करने के बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा पानी, जस्ट थोड़े से मॉइस्चर के लिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। करने के बाद इसे मैं ढकूँगी और 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढकूँगी और लो फ्लेम कर दूँगी। अब इसे अब हम लो फ्लेम करना है। लो फ्लेम करने के बाद 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाल के इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया है। 1.5 चम्मच मैंने चीनी ऐड किया है, क्योंकि खसखस में अगर थोड़ा सा मिठास हो तो बहुत अच्छा लगता है वो खाने में, बहुत तीखे के साथ बहुत ही बैलेंस्ड होता है ये रेसिपी। तो अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कम दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दीजिएगा ज़रूर, जिससे कि खाने में जो है वो टेस्ट और अच्छा आ जाए। ये देखिए ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। शक्कर देने के बाद 1 से 2 मिनट इसे थोड़ा सा पकाइएगा, जिससे कि शक्कर जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और अच्छे तरीके से सब्जी में मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज के लिए बस यही तक। नेक्स्ट रेसिपी लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।